نحمد ونصلي على رسوله الكريم। नाज़रीन किराम, आज मेरे लिए वाकई बड़ा दिन है क्योंकि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की एक दीनाना ख्वाहिश थी। हजरत जब अलील थे तो हजरत फरमाते थे कि हमारे बेटे आलिम बन गए हैं, हाफिज भी बन गए हैं, और अगर साथ में आपके बेटे अगर डॉक्टर भी बन जाए तो नूर अलाना नूर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे फर्जन डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउद्दीन रहमत अल्लाह के फल से आज एक छोटा सा दवाखाने का आगाज़ हमने किया है। इसमें खिदमत खल्क का जज्बा लेकर हमने ये काम किया है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दवाखाने को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और जो लोग बीमार हो उनके लिए हमको अल्लाह तबारक व तआला शिफा का सबब बना दें और हम उनकी खिदमत का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमा दें। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि इलाज में भी जितना मुमकिन हो सके हम कम करें और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों की जितना मुमकिन हो सके उनको दवाओं में भी रियायत की जाएगी। और मैं आज का इस प्रोग्राम में हमारे जो भी चाहने वालों ने शिरकत की है मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और खूसन हमारे मोहतरम इरफान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमारी इस मुख्तसर सी तकरीब में तशरीफ़ लाकर हमारे साहिबजादे की हिम्मत अफजाई फरमाई है। अल्लाह आप हमारे इस काम को कबूल फरमाए और हमारे डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह शिफा अता फरमाए और इस काम को लेकर जो हम जो आगे बढ़ रहे हैं इसमें हमारी अल्लाह मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलदस्ते देना आते हैं क्या? गुलदस्ते देने लगा रहे हैं।